हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। फिजिक्स में हम प्रकाशक यंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाशक यंत्र अर्थात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वे यंत्र जो कि हमें प्रकाश में, प्रकाश अर्थात यदि हम किसी बहुत ही सूक्ष्म वस्तु हो उसको हम देखना चाहते हैं, हमारे नेत्र से नहीं दिखाई दे रही है, तो हम ऐसे यंत्र का प्रयोग करेंगे जिससे हमें उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे, वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे सके। तो उसके लिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु का आकार तो बहुत बड़ा है लेकिन वस्तु इतनी दूर है हमसे कि वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। जैसे खगोलीय, जैसे तारे, नक्षत्र, इनकी स्थितियों को देखने के लिए अथवा आसमान में उड़ता हुए हवाई जहाज बड़ा होते हुए हमसे बहुत दूर चलता जा रहा है तो साइज में बहुत बड़ा लेकिन हमसे इतनी दूर है कि हमें बिल्कुल सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि दिखाई भी ना दे रहा हो, तो उसको देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो आज हम प्रकाशक यंत्र में तीन प्रकार के यंत्रों को पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और तीसरा खगोलीय दूरदर्शी। तो पहला शुरू करते हैं। पहला है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए सूक्ष्मदर्शी नाम से ही पता चलता है, सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोप, माइक्रो बहुत सूक्ष्म, यानी कि वस्तु इतनी सूक्ष्म है कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको देखने के लिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखा होगा कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से यहाँ पर लकड़ी, किसी धातु का अथवा प्लास्टिक का गोल फ्रेम, इस पर एक हैंडल और बीच में लेंस लगा होता है, इसे उत्तल, ये उत्तल लेंस होता है, इसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इस उत्तल लेंस की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी है कि यदि वस्तु को लेंस और उसके फोकस के बीच में रखा जाए तो उस वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब बड़ा प्रतिबिंब आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा तो उस वस्तु को हम देख लेंगे। तो इसका सिद्धांत यह है कि जैसे उत्तल लेंस यहाँ पर इसका फोकस, वस्तु को हम लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे। अब देखिए एक किरण समांतर, समांतर किरण फोकस से जाएगी, एक किरण प्रकाशक केंद्र से, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं हम, तो यहाँ पर ये दोनों किरणें काटेंगी और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, यह वस्तु हमें इस आकार में दिखाई देगी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए हम लेंस को इस प्रकार से सेट करते हैं कि वह वस्तु लेंस और फोकस के बीच में आ जाए। अब ये बड़ा कर रही है वस्तु को, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है, कितने गुना बड़ा हो रहा है, इसकी आवर्धन क्षमता कितनी है। तो आवर्धन क्षमता हम दो स्थितियों में लेते हैं, नंबर एक जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो, और दूसरी कंडीशन यह है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तो इन दो स्थितियों में इसकी आवर्धन क्षमता ली जाएगी। तो पहली स्थिति है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तब आवर्धन क्षमता
एम बराबर वन प्लस डी अपॉन एफ, आवर्धन क्षमता वन प्लस डी अपॉन एफ। और यदि बी, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, तब m बराबर आवर्धन क्षमता m बराबर d अपॉन f। तो यह इस सरल सूक्ष्मदर्शी की दो स्थितियों में आवर्धन क्षमता होती है। देख, सेकंड है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, वस्तु यदि इतनी सूक्ष्म हो कि सरल सूक्ष्मदर्शी से देखने पर भी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, अर्थात वस्तु का आकार इतना बड़ा है कि वो सरल सूक्ष्मदर्शी भी उसको बड़ा नहीं कर पा रहा, तब उस वस्तु को देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, दो उत्तल लेंस, एक और ये दूसरा, दो उत्तल लेंस होंगे। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उस लेंस को हम ऑब्जेक्ट लेंस अथवा अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जो लेंस, जिस लेंस से पास हम देखते हैं, इसे हम आई लेंस कहते हैं, आई लेंस अथवा नेत्र लेंस। ऑब्जेक्ट ओ, आई लेंस ई, इसका फोकस एफ ओ, एफ ओ डैश, एफ ई और एफ ई डैश। हम इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस को सबसे पहले इस प्रकार से सेट करते हैं कि वस्तु ए बी अभिदृश्यक लेंस के फोकस से आगे हो जाए। जब ये वस्तु ए बी अभिदृश्यक लेंस के फोकस से आगे होगी तो इसके शीर्ष से चलने वाली समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी, प्रकाश से किनसे जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी, ये दोनों किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये ए बी एड बी डैश पर काट रही हैं, और यहाँ से मुख्य अक्ष पर डाला लंब, ये बन गया ए डैश बी डैश। तो इस वस्तु ए बी का अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। यह लेंस, सॉरी, यह प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब हम इस नेत्र लेंस को इस प्रकार से सेट करते हैं आगे पीछे करके कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इस नेत्र लेंस और इसके फोकस एफ ई के बीच में आ जाए। जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में आ गई तो आपको मालूम है इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, तब एक किरण समांतर, समांतर किरण फोकस से, एक किरण प्रकाश केंद्र से, इन दोनों किरणों को यदि, अब ये दोनों तो कहीं मिलेंगी नहीं, इन दोनों किरणों को यदि पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी और यहाँ से इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डबल डैश और बी डबल डैश। ये इस सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना, या आप कह सकते हैं इसका किरण आलेख। आपको मालूम है कि लेंस से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। इस अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु ए बी है, जो वस्तु ए बी है तो इसके लिए वस्तु की दूरी यू ओ, यू ओ, यू वस्तु दूरी कहां से, ऑब्जेक्ट लेंस के। इस अभिदर्शक ऑब्जेक्ट लेंस के लिए प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब की दूरी को वी से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी ओ। इस नेत्र लेंस से, इस नेत्र लेंस के लिए ये ए डैश बी डैश वस्तु का कार्य कर रही है, तो यह हो गई प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी यू ई। और इस नेत्र लेंस के लिए
प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी वी ई। इसमें भी हम दो आवर्धन क्षमता लेंगे। पहला देखिए आवर्धन क्षमता दो स्थितियों में ली जाएगी, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो, और दूसरे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बन रहा हो। तो आवर्धन क्षमता पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब m बराबर माइनस वीओ बटे यूओ और वन प्लस डी अपॉन एफ ई। और देखिए इस अभिदर्शक लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी को हम संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहते हैं। इस स्थिति में अभिदर्शक लेंस और नेत्र लेंस देखिए यहां से यहां तक की दूरी वी ओ और ये दूरी है यू ई, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई वी ओ प्लस यू ई, तो लंबाई वी ओ प्लस यू ई। और दूसरी स्थिति, जब हमने कहा अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने तब m बराबर, बस याद रखने के लिए आप बस इस वन को हटा दीजिए, हो जाएगा m बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे एफ ई, जहां d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तब बनेगा जबकि वस्तु फोकस पर हो। तो इसके लिए हम इस लेंस को, नेत्र लेंस को पीछे की ओर सरकाएं, जैसे जैसे लेंस को आगे बढ़ाएंगे इसका फोकस इधर की ओर आएगा, और जैसे ही ये फोकस इस ए डैश की स्थिति पर आएगा तुरंत ये प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, अर्थात उस स्थिति में यह यू ई किसके बराबर होगा, इस एफ ई के बराबर होगी। तब उस स्थिति में यू ई की जगह हम लंबाई लगाएंगे, तब लंबाई होगी वी ओ प्लस एफ ई। देखिए नेक्स्ट तीसरा है खगोलीय दूरदर्शी बहुत दूर स्थित वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात वस्तु इतनी दूर है कि वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए हम इसमें भी दो लेंस ले जाएंगे, लेकिन इसकी संरचना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना की उल्टी होती है। इसमें अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट लेंस, और नेत्र लेंस छोटा होता है, आई लेंस छोटा होगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आई एफ ओ एफ ओ डैश एफ ई और एफ ई डैश, वस्तु चूंकि अनंत पर है, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, और अभिदर्शक लेंस का द्वारक इसमें इसलिए बड़ा रखा जाता है क्योंकि अनंत से आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा किरणें इस अभिदर्शक लेंस से होकर प्रवेश करें, जिससे कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। तो दो किरणें ली हमने, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, एक किरण दो समांतर किरणें ले रहे हैं हम, और समांतर किरणें अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर मिलती हैं, तो ये किरणें यहां पर मिलेंगी। देखिए ये किरणें अभिदर्शक लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाएंगे, ये बन गया अनंत पर, बहुत दूर स्थित कोई वस्तु है ए बी, इससे आने वाली किरणें इस अभिदर्शक लेंस के फोकस पर मिलती हैं, इसका बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अब हम इस नेत्र लेंस को इस तरह से सेट करते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्र लेंस और इसके फोकस के बीच में आ जाए, आप एक किरण समांतर फोकस से, एक किरण प्रकाश केंद्र से, और इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं,
तो यहाँ पर ये किरणें मिलेंगी और ये बना इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब, ए डबल डैश और बी डबल डैश। यहां से प्रतिबिंब बनना, यहां पर यहां से यहां तक की दूरी ये एफ ओ, इस नेत्र लेंस के लिए ये वस्तु काम करेगा इसे यू ई, और इस नेत्र लेंस के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब का काम करेगा इसे हम कहेंगे वी ई। फिर इसमें आवर्धन क्षमता की दो कंडीशन है, आवर्धन क्षमता पहली स्थिति है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई और 1 प्लस एफ ई बटे डी। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया है। देखिए माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है। इस स्थिति में लंबाई होगी एफ ओ प्लस यू ई। दूसरी कंडीशन, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता के लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं माइनस का एफ ओ बटे एफ ई, और इस स्थिति में लंबाई होगी एफ ओ प्लस एफ ई।